from the pictures you are relating to M, we need to teach them the sound of M. M ka sound kya hota hai? Ma. Is it? Is it? Nahin, M ka sound hota hai ma. Ma nahi. Ma to hum generally bolte hain. Right? Mama boliye. Mom boliye. Ma aata hai. Ma nahi aata. Aata hai. Right? Waise hi, what we need to do? With the single letter M, what we teach them? The formation of a letter. Kaise banta hai? Right? And here, the Montessori apparatus of sand, paper, alphabets are very important. जब हम थे स्कूल में पढ़ाते हैं तो मॉन्टेसरी एप्रेटस आता है जो एक सैंड पेपर बोलते हैं उसमें एक ऐसा फॉर्मेशन बना होता है कि मिट्टी वाला जो दीवार को खींचने के लिए काम आता है ना हाँ वो वाला होता है और उसके बीच में वो एम का गैप बना हुआ होता है राइट तो अब चाइल्ड इज होल्डिंग हिज फिंगर द टिप ऑफ हिज फिंगर एंड ही इज अगेन एंड अगेन मेकिंग दैट He learned the formation, right? Along with the formation, he is identifying, resembling the correlated picture with it. Like M for monkey, M for mountain, M for mama, right? So, ye sare cheez usse relate karte hai. And the next thing is, he is also relating the sound. No? कोई भी चीज को आइडेंटिटी चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स का कंसेप्ट हो या छोटे से एक अल्फाबेट का सेशन हो उनको रिलेट करने के लिए ऐसी बेसिक कंसेप्ट क्लियरिंग टिप्स चाहिए जिससे वो रिलेट कर सके उस चीज को आपने कोई किसी ने चॉक एंड डस्ट का पिक्चर देखा था नहीं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हरी हरी बोल ऐसा कुछ था Somebody remembers that? टिग्नोमेट्री का एक बहुत अच्छा सिंपल वे था और वो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ा रही थी टिग्नोमेट्री इज अ वेरी डिफिकल्ट एट लीस्ट फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स मैथ्स मेरे लिए थोड़ा सा बाउंसरी टाइप था भी चला जाता था बैक ऑफ द माइंड एक फोबिया था मगर उस फोबिया को वो टीचर ने कैसे कन्वर्ट किया उसको वो जो फॉर्मूला था हरी हरी बोल ऐसा कुछ भी फॉर्मूला था उसको राइमिंग वे में उसने कन्वर्ट कर दिया तो व्हेन अ चाइल्ड इज सिटिंग फॉर एन एग्जांपल तो उसे क्या चाहिए फॉर्मूला का फर्स्ट लेटर चाहिए हरी हरी बोल तो एच 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 तो डिनोट करता है फॉर्मूला में एच किसको डिनोट करते हैं तो वो कनेक्ट करता है अपने आप को और उसी के उसमें वो ट्रिग्नोमेट्री का सम सॉल्व करता है दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर तो मैं आपको माय प्लैनेट सिखाना मेरे लिए बहुत ईजी होगा बिकॉज माय मतलब मैं प्लैनेट इज आवर प्लैनेट अर्थ इज विच आई एम लिविंग और वी ऑल आर लिविंग इट्स वेरी इजी मीनिंग बता दिया स्पेलिंग बता दिया रटा दिया कि MYPLANET हो गया ये स्पेलिंग तो इससे वो लोग क्लियर नहीं होंगे कि माय प्लैनेट कहाँ है क्या है राइट अगर आप कोई एक प्रूफ दे रहे हैं कि माय में एम क्या रोल प्ले करता है वाई क्या करता है इसका साउंड क्या है एम और वाई को हम साउंड करके क्या मिक्स करके एक वर्ड बना सकते हैं दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर तो दिस इज अ लैंग्वेज स्पेशल अब यहाँ पे जो लैंग्वेज स्पेशल टीचर्स होंगे वो तो बहुत इंटरेस्टिंगली सुनते हैं जो म्यूजिक वाले टीचर है वो बोर हो गए राइट तो अब उसको भी मुझे एंटरलेट करना है तो मुझे एम से राइम सुनाना है मंकी मंकी मदर मंकी जो भी है एक ड्राइंग हमें अपने आप ही बनाना है ये हमारे दिमाग में होना चाहिए दैट इज कॉल अ पैशन ऑफ अ टीचर मतलब ये बहुत छोटे लेवल पे होता है बड़े क्लासेस में नहीं होता इतना सारा वर्कआउट मगर बड़े क्लासेस के लिए वर्कआउट ऐसे होते हैं कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस दे सकें बेसिक लेवल तो किंडरगार्टन की टीचर आपको करके देती हैं जो बड़े उस पे लेवल पे जाते हैं उसको भी हम पनडाबिक और वो कैसे बना सकते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू उनसे कनेक्शन रख के जैसे जो लैंग्वेज स्पेशल है मैथ उसके लिए डिफिकल्ट है तो उसको मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे है उसका काम करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर लैंग्वेज स्पेशल बच्चा और मैथ सिखा रहे हैं तो उस बच्चे को हम बाहर नहीं निकाल के बैठा देंगे उनको मैथ्स भी सिखाएंगे शायद इसीलिए हम लोग में इतना फोबिया है कि मैथ्स मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि हमारी टीचर इतना पैशनेट होके नहीं पढ़ाती थी और आज आप लोग को वो ही पैशन दिख
और भी स्पेशल। What is logic special? Okay, tell me what is logic? Logic क्या होता है? मुझे MP नगर पहुंचना है, वो पहुंचने के लिए मेरे पास क्या क्या लॉजिक चल सकता है, मेरे को ये वैल्यू पे पहुंचना था। Yes. हाँ मैम, मैम अगर मैप पढ़ना ही नहीं आया तो क्या करेंगे? ओके हेल्प लेटर देन नेक्स्ट। अच्छा मुझे बता दीजिए फर्स्ट ये गरिमा, गरिमा ने अपने साथ एग्जैक्टिव क्या बोला? ओपीडी, वेरी गुड। और बबीता ने और ये सब ने बोला था तो किसी एक को तो मिल ही जाएगा राइट। This is the role of a logic special child. अपना दिमाग चलाता है। Logic means using your cognitive senses. Cognitive मतलब related to your brain. आपके brain को आप कितना use करते हो? जो math special child होता है, जो logic special child होता है, वो हर चीज में एक logic ढूंढता है, right? वो logic इसलिए cognitive development हर बच्चे में मुझे चाहिए, इसलिए नहीं कि वो math सीखेगा, मगर वो उसको इसलिए क्योंकि M को हमें इस तरह से बनाना है, वो भी एक लॉजिक है। अगर वो ऐसे ऐसे करके ऐसे बनाएगा देन इट्स रॉन्ग, तो वो लॉजिक मुझे इसमें भी चाहिए। लैंग्वेज स्पेशल बच्चे में भी वो डेवलपमेंट चाहिए, सिर्फ साउंड देने से, सिर्फ लेटर आइडेंटिफिकेशन देने से मेरा काम खत्म नहीं होता, उसका ब्रेन भी चलना चाहिए। तो वॉट इज द रोल ऑफ अ टीचर? टीचर हैज टू ड्रैग अ चाइल्ड फ्रॉम नोन टू अननोन। आज एम फॉर मंकी घर से पढ़ के आते हैं बच्चे, ए जो नर्सरी में बच्चा आता है ना, एम फॉर मंकी ये सब पढ़ के आते हैं, तो आपका कोई रोल नहीं है, बहुत बोरिंग हो जाएगा एम फॉर मंकी पढ़ाएंगे तो। आपका रोल क्या है? उसका साउंड सिखाना, उसके साथ करने वाली एक्टिविटीज हों और उसके साथ उसका क्या यूज है वो बताना। इसमें हर चीज में एक चीज वो सीख कर आया है कि एम फॉर मंकी है, एम फॉर मंकी को एम से, एम फॉर माउंटेन को कैसे डाइवर्ट करना है, दैट इज योर रोल। सिर्फ मंकी आ रहा है उसको, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये सारा सीख रहा है रट रहा है, क्योंकि बहुत सारे एप्स आजकल हैं बोल रहा है। उसके बाद ए फॉर एंट भी है, ए फॉर एलिगेटर भी है, ए फॉर एरोप्लेन भी है, ए फॉर एक्स भी है, ये सारा चीज कैसे आप बताएंगे उसको? वो नोन कहाँ तक है? ए फॉर एप्पल तक है। और अननोन कहाँ है? एंड, एक्स, एरोप्लेन, एलिगेटर, ये सारा अननोन है। तो टीचर का रोल ए को सिखाने के लिए ए फॉर एप्पल से लेके ए से दूसरे को, हर चीज में जब वो लेटर आइडेंटिफाई करेगा ए से रिलेटेड या ए कोई भी वर्ड में आएगा वो एग्जैक्टली पहचान जाएगा कि दिस इज ए एंड इट्स साउंड इज ए, राइट? अगर साउंड आ गया, अगर उसको लेटर आइडेंटिफिकेशन आ गया तो आपकी जरूरत है और पढ़ाने के लिए उसको, है या नहीं है? लाउडली है या नहीं है? वर्ड पढ़ाने की जरूरत है, अगर आप उसको लेटर आइडेंटिफिकेशन आ गया, उसको साउंड पता चल गया, उसको कोड रिलेटेड पिक्चर्स पता चल गया, तो वेयर इज योर रोल देन? Your role is almost done. Now he is independent enough to understand what is A, how is it formed, what is its sound, and where we can see and what sound we should make for it. So जैसे two four, two two जब four जब हम सिखाते हैं ना, two क्या है? Two में क्या add करते हैं तो four आता है। ये सारा चीज हमें tools देने हैं उनको। और वो टूल देने के बाद उनको अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन डेवलपमेंट, उसको सोचने के लिए टाइम दो। अब वो सोचने के लिए जो टाइम देते हैं वो क्या होता है? जब वो नोन टू अननोन तक पहुंचता है आपकी छोटी छोटी टिप्स लेके और हेल्प लेके, देन योर रोल इज डन। दैट इज व्हाट अ टीचर्स रोल इज डन, राइट? Now we have completed the language special child, the logic special child. Logic special will be the puzzle smart, main smart, जो puzzle बहुत जल्दी solve कर देंगे। तो आपको उनका multiple intelligence ध्यान रखना है, right?
Why I am discussing about the multiple intelligence? बड़े से बड़े बच्चा 10th में भी है, कॉलेज में भी है, अगर उसकी इंटरेस्ट का कोई पार्ट नहीं कर रहा है तो वो इतने वो हो जाते हैं बड़े तो सीधे क्लास से बाहर निकल जाते हैं. छोटे बच्चों को तो फिर भी हम डाइवर्ट करके बिठा सकते हैं. द मेन रोल इज ऑफ अ टीचर देयर वेयर अ चाइल्ड इज मैच्योर इनफ टू टेक अ डिसीजन. और वो डिसीजन मेकिंग से आजकल डरता नहीं है, पहले वो डर था क्योंकि आजकल जो है फिटिंग इज बैंड. तो हम लोग डरा धमका मार नहीं सकते, तो उनको हमें अपने क्लास में कैसे बाइंड करके रखना है, दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर. नाउ लैंग्वेज स्पेशल यू हैव कैटर, लॉजिक स्पेशल यू हैव कैटर. व्हाट इज इंटरपर्सनल, व्हाट इज इंटरपर्सनल पर्सनालिटी. इंटरपर्सनल का मतलब क्या है सबको बताइए. नोबडी नो इंटरपर्सनल. अच्छा मोदी देखकर आपको क्या लगता है व्हाट इज माय पर्सनालिटी, व्हाट इज माय पर्सनालिटी. मुझे तो डिस्क्राइब कर दीजिए. यू कैन सी मी, यू हैव हर्ड मी. यस वेरी गुड, थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन. ओके यस, इंटरपर्सनल इज अ पर्सनालिटी हु मिंगल्स विद एवरीवन. One of them may be a music teacher, a Hindi teacher, or language teacher, or maths teacher. It has a personality to mingle with each and every bit. उसको social personality बोलते हैं, जो socialize बहुत जल्दी कर लेते हैं. मतलब किसी दो एक meeting में आप जाएंगे, दो आदमी उन लोगों को सामने खड़ा कर देंगे, एक बहुत जल्दी initiative लेता है और एक थोड़ा सा hesitate करता है बोलने से. तो जो इनिशिएटिव लेता है और जल्दी से फ्रेंड्स बनाता है दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल. वो हर ऐसी पर्सनालिटी के साथ मिंगल हो जाता है, बाइंड हो जाता है कि वो हर किसी का फ्रेंड होता है, राइट. दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल. अब इंटरपर्सनल है ना मेन डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं क्लास में. डू यू नो दैट सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस इंटरपर्सनल होता है क्योंकि उसको इनसे भी मज़ा आता है, उनसे भी मज़ा आता है, इनसे भी मज़ा आता है, तो वो बहुत ज़्यादा. अब इंटरपर्सनल को हमें क्लास में मैनेज करने के लिए क्या टिप्स होता है कि इंटरपर्सनल पर्सनालिटी के लिए लीडरशिप क्वालिटी दे दो. लीडरशिप, व्हाट इज लीडरशिप. एग्जैक्टली यस. अब कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रही हूँ. ना क्लास मॉनिटर या आपके पास बहुत सारी बुक्स है आपको कलेक्ट करवानी है, तो व्हाट यू से उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हर किसी के पास जा सकता है, किसी से उसको डर नहीं लगता, बुक कलेक्ट करके आपको देगा. देन योर वर्क इज डन विथ यू एंड ही इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड. तो लर्निंग के साथ साथ उसमें हम लीडरशिप क्वालिटी डालते हैं क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी जो होता है इंटरपर्सनल में बहुत जल्दी डेवलप होती है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. दिस इज इंटरपर्सनल क्वालिटी. नाउ नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी इज व्हाट. जो शाय होता है, जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट देन वो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है. आपको पता होगा कि इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी. वो कोने में बैठ के मास्टर होते हैं बिकॉज दे आर द वेरी गुड ऑब्जर्वर. वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं. और क्या ऑब्जर्व करते हैं, लैंग्वेज. स्पेशल बच्चे को अगर आपने माई पढ़वा दिया वो सीख जाएगा, वो उसको कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है, उसके साथ हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेना पड़ता है. उनका सुनना और उनकी ब्रेन की सिनॉप्सिस से ही वो कनेक्ट कर लेता है. उनके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज प्लान नहीं करनी पड़ती है. मगर व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी, कहाँ हमें फेस करना पड़ता है उस पर्सनालिटी को, क्योंकि वो अपने आप में बहुत मास्टर होते हैं. हाँ तो वो तो और डिफिकल्ट हो गया टीचर्स के लिए क्योंकि अंडे जनते थे कनेक्ट विथ यू, यू वोंट बी एबल टू वर्क फॉर हिम. ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया. तो व्हाट इज योर रोल एंड हाउ विल यू मेक इट ईज टू कनेक्ट विथ एन इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी.
मगर इंट्रा पर्सनल है वो तो आसानी से आएगा नहीं. Exactly. हाँ उसकी फ्रेंडशिप करा मगर वो ऐसे ही फ्रेंडशिप हर किसी से कर लेगा वो नहीं करेगा तो कैसे स्टार्ट होगा उसको. एग्जैक्टली यस जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है. और दूसरा सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि इंट्रा पर्सनल को बार बार डिनोट करके अंडरस्टूड. जैसे हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसको यस दिस पर्सन नोज दिस गाय नोज दिस गर्ल नोज तो उसको बार बार अप्रिशिएट करके तो वो जो हेजिटेशन है उसका वो जो हेजिटेशन का जो बार है वो हट जाएगा तो वो एटलीस्ट आपसे फ्रेंडशिप कर लेगा. एंड देन हाफ द थिंग इज डन व्हेन इट्स कनेक्टिंग विद यू आपके साथ जो फ्रेंडशिप कर रहा है तो देन योर वर्क इज ऑलमोस्ट डन. फिर वो धीरे धीरे आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा और वो इम्प्रेस जो करेगा वो इम्प्रेस में ऐसा होगा कि वो धीरे धीरे दूसरे फ्रेंड्स बनाएगा. अब उसका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा आप कहाँ देंगे जब ग्रुप एक्टिविटी होती है राइट. वो अलोन बैठना चाहेगा मगर उसको आपको अपने अफेक्शन से डाइवर्ट करना है ग्रुप एक्टिविटी में. और ग्रुप एक्टिविटी में जिसमें इंट्रा पर्सनल फर्स्ट बच्चा होगा वो एक्टिविटी बेस्ट होगी क्योंकि वो सब्जेक्ट नॉलेज और ऑब्जर्वेंट बहुत है तो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अ ग्रुप. तो अब हम क्या कर रहे हैं उसको ग्रुप एक्टिविटी में लेके उसको इंट्रा पर्सनल से इंटरपर्सनल बना रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटीज को दूसरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि उसका कंसेप्ट है दूसरे को भी समझ में आएगा राइट. तो दिस इज इंट्रा पर्सनल. नाउ बॉडी काइनेस्थेटिक. आई सेड आई टोल्ड यू अबाउट बॉडी काइनेस्थेटिक राइट. हैव यू रिटन दैट. ओके बॉडी काइनेस्थेटिक व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी काइनेस्थेटिक. व्हाट डज दैट टर्म बॉडी मींस. वो बॉडी टर्म क्या मीनिंग लाता है. यस फिजिकल मूवमेंट राइट वेरी राइट. देन हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन इन योर क्लासेस राइट. दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बॉडी की काइनेस्थेटिक जो बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते इतने ज़्यादा बॉडी को यूज करते हैं यहाँ से जंप करके वहाँ जंप करेंगे वहाँ से जंप करके वहाँ जंप करेंगे. दे आर द ऑब्स्ट्रैक्टल इन योर क्लास क्योंकि उसको कंट्रोल करना मतलब एक हाथ से इसको पकड़ना एक हाथ से पटाना हुआ. अंडरस्टूड. एंड इज इट पॉसिबल कि आप उसको भी पकड़ के रखो और पूरे क्लास को भी मैनेज करो और वो भी इतने सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ तो कैसे डाइवर्ट करेंगे. हाउ विल यू डाइवर्ट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड एंड यूज हिज एनर्जी इन टू योर पॉजिटिव टीचिंग. हाइपर एक्टिव चाइल्ड को किसी ने कुछ ऐसा पढ़ा था सब्जेक्ट के अलावा कि हमें थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के साथ भी चलना पड़ेगा बच्चों की ऐसा कुछ क्या था वो. क्योंकि हियर वी आर डीलिंग ओनली विद द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड विथ द कंसेप्ट हियरिंग इन अ क्लासरूम. और एक ही क्लासरूम में 15 बच्चे होंगे तो 15 में सब इंटेलिजेंस होगी. ऐसा नहीं चाहेंगे कि भैया हाइपर एक्टिव बच्चे निकाल दो हम नहीं पढ़ा सकते. मैनेजमेंट बोले कि आप निकल जाइए हम तो रखेंगे क्योंकि एडमिशन द एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल मस्ट बी नोइंग कैसे वो काउंसलिंग करके एडमिशन लाते हैं राइट. और अगर आप लोग बोलेंगे हाइपर एक्टिव है निकाल दो तो व्हाट विल बी द क्लास. तो ये भी हम नहीं कर सकते. तो आई नीड एन हाइपर एक्टिव एंड देयर हैज टू बी वन हाइपर एक्टिव इन द क्लास क्योंकि आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा मस्ती वाले होते हैं इतने ज़्यादा ऑब्जर्वर्ट और मैनिपुलेटिव होते हैं कि वो हर कुछ कर लेते हैं. शायद हमें वहाँ तक जाने के लिए सोचना पड़ेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएंगे. उनके लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कोई इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है कोई डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है. दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट योर डिसिप्लिन. क्लास जाके जो करना है कर ले टीचर को. दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ यू. डरा के करवाना है नहीं ऐसा वर्क देंगे राइट मगर वो क्लास में इन्वॉल्व नहीं होगा फिर
टिपिकल मैंने बताया ना, आप ऐसे पकड़ के खड़े रह जाएंगे बिल्कुल। हाँ चार तो उठाएंगे तो ऐसा नहीं फिजिकली आप पकड़ के, ऐसा नहीं होता कि फिजिकली आप पकड़ के, जैसे आप कोई काम नहीं देंगे तो वो फिजिकली ब्लॉक हो जाएगा। बट वॉट अबाउट योर टीचिंग, मतलब आप उसको एक्सक्लूड करके बाकी का क्लास ले रहे हैं क्योंकि आपको कम्फर्टेबल है, हमें उसे क्लास में इन्वॉल्व करना है। मॉनिटर तो लीडरशिप को बना दिया, सबको मॉनिटर नहीं बना सकते। Do you know what is the result of hyperactive के हाथ में अगर आपने काम ले लिया और तोड़ फोड़ के फेंक देगा? नहीं वो फेंक देगा, नहीं अट्रैक्ट जरूर करेगा, वो नहीं करेगा। मैं आपको इसके भी रीजन बताऊंगी बाद में। वो क्या करेगा, प्लांट्स को तोड़ के फेंक देगा। देन योर पर्पस इज ऑलमोस्ट वैनिश्ड, मतलब भूल गया, पूरा खत्म हो गया आपका पर्पस। इसके लिए क्या करना होता है, उसकी एनर्जी को पहले यूटिलाइज करवा देना होता है। कैसे यूटिलाइज करवाएंगे, उनको बोलो भाग के वहाँ से वहाँ जंप करके भाग के आए, फिर उनको कुछ कलेक्ट करने को बोल दो कि ये चीज सारा कलेक्ट करके लेके आओ, राइट। अब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक्टिविटी का मटेरियल चाहिए, तो उनको बोल दो कि ये सारे मटेरियल कलेक्ट करके मेरे टेबल पे रखो, इतना भगाओ उसे, इतना भगाओ कि वो थक जाए, राइट। अब वो थक गए, जाने के बाद वो आपकी हर बात मानेगा क्योंकि आप वो इतना थक गया है कि अब वो कॉन्सेंट्रेटेबल। अभी अगर बोल दिया कि मैं उठूंगा तो वो बोलेगी वहाँ लेकर आओ, बैठ जाएगा, चुप करके बैठेगा, और चुप करके बैठेगा तभी वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। तो इन्वॉल्वमेंट भी हो गया और उसकी एनर्जीज को हमने डिफरेंट वे में यूज़ कर लिया, मतलब वो एग्जॉस्टेड हो गया। जब हम भी बहुत भाग लेते हैं तो फिर क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर तो करवा लो जो करवाना है, गिव अप कर देते हैं, राइट। तो दिस इज द रोल ऑफ अ टीचर, कि हाइपर एक्टिव बच्चे को कैसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं, डाइवर्ट करने के बाद उसको क्लास में इन्वॉल्वमेंट कैसे ट्रैक करवा सकते हैं, राइट। अब इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल ये भी हो गया। अब म्यूजिक स्पेशल, म्यूजिक स्पेशल मैम आपका बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है। म्यूजिक स्पेशल मतलब व्हाट इज द इंटेलिजेंस ऑफ म्यूजिक स्पेशल? Yes, कुछ तो बोलो। इतना सिंपल टर्म है म्यूजिक स्पेशल, म्यूजिक मतलब संगीत, हाँ अंडरस्टूड, दैट इज अ म्यूजिक स्पेशल इंटेलिजेंस। जैसे लैंग्वेज स्पेशल वालों को बहुत अट्रैक्शन होता है लैंग्वेज वर्ड्स हैवी वोकैबुलरी में, राइट। लॉजिक स्पेशल को पजल सॉल्विंग और समथिंग, कि वो चीज ये ऐसी हुई तो हुई कैसे। इंटरपर्सनल को हर चीज में इन्वॉल्वमेंट होने का, इंटरपर्सनल को सेल्फ स्मार्ट होते हैं, बिल्कुल सेल्फ कॉर्नर में रहकर स्मार्ट होते हैं, तो वो हर कुछ ले लेते हैं। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, हाइपर एक्टिव सब ले लिया। अब व्हाट यू मीन बाय दिस म्यूजिक स्पेशल, इस म्यूजिक स्पेशल का मतलब होता है वो ना लैंग्वेज से सीखेगा आपकी चीज़ें, ना लॉजिक से सीखेगा, ना आप उसको ग्रुप एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, ना आप उसको साइड में दे के कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। काम कैसे करवाएंगे उसको, कैसे क्लास में कैसे गए, हर बार उसको गाना थोड़ी ना गा के सुनाएंगे, राइट। तो क्या करेंगे, राइम से उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। म्यूजिक स्पेशल को जब भी है तो हम लोग, हमारे पास आजकल स्मार्ट क्लासेस है, डू यू हैव इन योर क्लासेस, राइट। स्मार्ट क्लास है तो म्यूजिक स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनको भी डाइवर्जन अपने के लिए सबसे पहले कोई भी क्लास स्टार्ट करें उससे पहले म्यूजिक, बिकॉज दे आर ऑडियो लर्नर्स, वो सुन के सीखते हैं। तो जो राइम आप ऐसे बोल बोल के रोज रोज रटा रटा के सिखाएंगे वो एक ही उसमें सीख जाएंगे, क्योंकि वे आर ऑडियो लर्नर्स, उनका ऑडियो सेंस इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है कि वॉट एवर यू डू दे लर्न इट बाय सिंगिंग। तो अगर हम लोग साउंड भी सिखा रहे हैं तो अगर हम लोग ए से जेड का साउंड सिखा रहे हैं कैसे सीखेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल से नहीं सीखेंगे हम, कोई ए फॉर एन एप्पल,
उसने क्या ए का साउंड भी सीख लिया, ए से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स भी सीख लिए, मगर उसके लिए हमें थोड़ा सा म्यूजिक टर्म्स डालना पड़ेगा. मतलब हमारे क्लास की मल्टीपल इंटेलिजेंस को केटर करने के लिए यू नीड टू गो विद लैंग्वेज पेशेंट चिल्ड्रन ऑल्सो, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल म्यूजिक स्पेशलिस्ट, लॉजिक स्पेशलिस्ट, राइट. दिस आर द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस एंड दैट यू हैव टू केटर इन योर पर्टिकुलर क्लास. And this can be catered only through your passion. अब passion में ऐसा होता है कि आपको interest in language में है तो रोज language सिखा देंगी, मगर जो दूसरे multiple intelligence के बच्चे हैं वो आपकी class में बिल्कुल bore हो जाएंगे. तो आपका passion क्या होना चाहिए कि मेरे class में अगर 5 बच्चे हैं और 5 intelligence अलग है तो 5 के लिए एक activity plan करके आए, right? तो उस तरह से हम अपना क्लास मैनेज करेंगे.